आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो किस तरीके से आप अपना फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए डोमेन और होस्टिंग। डोमेन कैसे लेना है मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे किस तरीके से अपना डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं AWS। AWS क्यों? क्योंकि आपको AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट में 1 ईयर के लिए आपको EC2 इंस्टेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। फिर आप उस इंस्टेंस का इस्तेमाल करके अपना वेबसाइट को होस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आप फ्यूचर में इसे अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर आपके वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ जाते हैं और आपको उससे कुछ अर्निंग होने लगते हैं तो आप अपना वेबसाइट को अपग्रेड भी कर सकते हो। यानी कि होस्टिंग के लिए आप जो भी वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करने वाले हो उसका कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड कर सकते हो फ्यूचर में। इसलिए मैं यहाँ पर AWS चूज़ किया हूँ। आपको भी हमेशा क्लाउड प्लेटफॉर्म ही चूज़ करना चाहिए अपना वेबसाइट होस्टिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको अपना पहला वेबसाइट बनाना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला चीज़ आपको चाहिए डोमेन। तो आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे किस तरीके से आपको डोमेन लेना है। इसके बाद आपको चाहिए AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे किस तरीके से आपको AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाना है। या फिर अगर आपको अकाउंट वगैरह बाय करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। अपना AWS का अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे बिल्कुल कुछ इस तरीके से। देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे लॉन्च इंस्टेंस। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। सबसे पहला चीज़ आपको अपने वेब सर्वर का नेम टाइप करना है। आप किस नेम से अपना वेब सर्वर बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पली मैं यहाँ पर डोमेन का जो नेम है इसी को कर देता हूँ टाइप। इसके बाद करेंगे नीचे स्क्रॉल को जिस तरीके से। फिर आप यहाँ पर आकर सर्च करोगे वर्डप्रेस, देन करेंगे एंटर। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे AWS Marketplace। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बहुत सारे वर्डप्रेस के वर्जन मिल जाएंगे। आपको करते जाना है नीचे स्क्रॉल को जिस तरीके से करते जाना है। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनामी इस तरीके से यह वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। हमें इसी को करना है सेलेक्ट। यहाँ पर अगर इसे करेंगे सेलेक्ट, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पे क्लिक करेंगे सब्सक्राइब नाउ। इसके बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्डप्रेस का ये वाला वर्जन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर करेंगे हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर हमें इंस्टेंस टाइप में जो फ्री में अवेलेबल है हमें वही सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो वर्चुअल मशीन है T2 माइक्रो जिसका रैम है 1 GB और 1 वर्चुअल CPUs, ये हमें फ्री में मिल रहे हैं तो हमें इसी को करना है सेलेक्ट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करोगे उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे एवरी मंथ। तो हम फिलहाल अभी फ्री में बना रहे हैं और ये वर्चुअल मशीन पूरे 1 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री है तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और साथ में हमारा डोमेन भी 1 ईयर के लिए फ्री है तो हम अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में किस तरीके से ये सारे वर्क होते हैं, वेबसाइट वगैरह कैसे मैनेज किया जाता है। फिर आप पे करके एक पावरफुल वेबसाइट बना सकते हो आने वाले टाइम में। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना की पेयर सेट करना है। ये काफ़ी ज़रूरी है और आपको इसे हमेशा सेव करके रखना है क्योंकि फ्यूचर में आप इसी के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे अगर आपके वर्चुअल मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट न्यू की पेयर। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नेम टाइप कर दोगे। हालांकि यहाँ पर हम डोमेन का नेम टाइप कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी नेम टाइप कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर .ppk इसी को करना है सेलेक्ट और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट की पेयर। इसके बाद आपको यहाँ पर की पेयर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे डाउनलोड कंप्लीट और यहाँ पर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट। ध्यान रहे आपका ये होना चाहिए सेलेक्ट। इसके बाद करोगे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, ये कुछ इस तरीके से होगा अलाउ। आप इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। फिर करते जाएंगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर आप इसे कर दोगे कितना 30 GIB। क्यों? क्योंकि 30 GIB हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर 30 GIB लेंगे। हालांकि आप उससे कम भी ले सकते हो लेकिन आपका जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना बेहतर होगा आपके वेबसाइट के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस। फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंस्टेंस रेडी होगा, बस आपको वेट करना है 1 से 2 मिनट और कुछ इस तरीके से यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा। देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टेंस आईडी में तो हम कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर मिल चुका है मुझे वर्डप्रेस का पब्लिक आईपी एड्रेस और हमारा वर्डप्रेस इसी वर्चुअल मशीन में होस्ट है। तो हम इस आईपी एड्रेस को यहाँ पर आकर अगर पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और करेंगे इंटर तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरीके से हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ है, आपको वेट करना है 2-4 मिनट
फिर आपको टेस्ट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद फिर से हम दोबारा टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है या नहीं। जैसे ही आप आईपी एड्रेस पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इस पेज में आ जाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका वर्डप्रेस हो जाएगा इंस्टॉल। और यहाँ पर रहेगा डेट कब यह इंस्टॉल हुआ है, 14 मार्च 2025। इसके बाद आपको चाहिए अब डोमेन, साथ में फ्री SSL सर्टिफिकेट। उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ name.com का वेबसाइट में। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपना डोमेन को Cloudflare से लिंक करेंगे। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे Cloudflare, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे Cloudflare का वेबसाइट का लिंक। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साइनअप। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन में क्लिक करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। देन करेंगे हम नीचे स्क्रॉल, फिर यहाँ पर हम लेंगे फ्री वाला वर्जन, इसको कर लेंगे यहाँ पर ऐड अ वेबसाइट। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे आपको किसके थ्रू साइनअप करना है, जीमेल आईडी के थ्रू, एप्पल आईडी के थ्रू या फिर डेडिकेटेड ईमेल आईडी के थ्रू। तो मैं यहाँ पर चूज़ करने वाला हूँ जीमेल आईडी के थ्रू। यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। इसके बाद अपना जीमेल आईडी यहाँ पर कुछ इस तरीके कर लेंगे सेलेक्ट, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। फिर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इस पेज में आने के बाद हम यहाँ पर अपना डोमेन का नेम टाइप करेंगे। डोमेन हमारा कहाँ पर होस्ट है, name.com में। तो यहाँ से इसे हम उठा लेंगे कुछ इस तरीके से, इसे कर लेंगे हम कॉपी। फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे फ्री वाला प्लान। फिर यहाँ पर आने के बाद करेंगे हम नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से करते जाएंगे। यहाँ पर आपको जितने भी रिकॉर्ड्स दिखेंगे आपको अभी इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सीधा आप यहाँ पर आकर क्लिक करोगे कंटिन्यू टू एक्टिवेशन। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। फिर करेंगे हम नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से और हम अपना नेम सर्वर में कुछ चेंजेस करेंगे। हमें अपने डोमेन में क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पर जो ये नेम सर्वर है बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो चल जाएंगे हम उस वेबसाइट में जहाँ से हम डोमेन को परचेस किए हैं। यहाँ पर आने के बाद डोमेन में नेम सर्वर को ऐड करेंगे। हालांकि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से डोमेन परचेस किए हैं उसका इंटरफेस अलग होगा। मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ name.com, तो इसका इंटरफेस कुछ अलग है। तो हम सीधा यहाँ पर आएंगे माई डोमेन्स में, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 डॉट में डोमेन के सामने जो होगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे मैनेज नेम सर्वर्स। फिर आपको जिस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद करेंगे हम नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर आपको जितने भी नेम सर्वर्स दिख रहे हैं आपको सभी को करना डिलीट। यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट में, फिर इसको भी कर देंगे, इसको भी और इसको भी। इसके बाद यहाँ से नेम सर्वर को ऐड करेंगे, इसे करेंगे हम कॉपी। फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड नेम सर्वर। इसके बाद अगले की बारी, इसे करेंगे हम कॉपी। फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव चेंजेस। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे अपडेट। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और करेंगे नीचे स्क्रॉल, और यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे और करोगे नीचे स्क्रॉल। करते जाओगे तो यहाँ पर अपना चेक कर सकते हो कि आपका सर्वर एक्टिवेट हुआ है या नहीं। हालांकि इस प्रोसेस में आपको 1 से 2 आवर का टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ये 20 से 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। यह डिपेंड करता है आपका डोमेन प्रोवाइडर के ऊपर वो कितना फास्ट अपना काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं चेक नेम सर्वर्स नाउ, तो ये ऑटोमेटिकली चेक करते रहेगा। जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, एक्टिव होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। करीब 30 मिनट वेट करने के बाद जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश किए बिल्कुल इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर आपको न्यूज़ भी मिल जाएगा ग्रेट न्यूज़ के नाम से कि आपका डोमेन Cloudflare की तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे DNS में, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड्स। फिर आएंगे नीचे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको जितने भी रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं सभी को करना है हमें डिलीट। उसके लिए हम यहाँ पर टैप करेंगे और सारा हो जाएगा एक ही बार में सेलेक्ट, और यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट रिकॉर्ड्स, देन यहाँ पर टाइप करेंगे डिलीट, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट में। तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर रिकॉर्ड्स हो जाएंगे डिलीट कंप्लीट। इसके बाद हमें यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड।
फिर यहाँ पर हम पहले ए में लिखेंगे सेलेक्ट, देन यहाँ पर टाइप करेंगे @, फिर यहाँ पर हमें टाइप करना है IP address। IP address कौन सा? आपके वर्चुअल मशीन का। चल जाएंगे हम AWS का प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर आने के बाद हमारा वर्चुअल मशीन का ये IP address है, इसे करेंगे हम कॉपी। फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव में, तो हमारा पहला रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड, फिर यहाँ पर लेंगे हम CNAME और यहाँ पर टाइप करेंगे www यानी कि www। फिर यहाँ पर अपना डोमेन का नेम टाइप करेंगे, यहाँ से हम उठा लेंगे अपना डोमेन का नेम बिल्कुल कुछ जिस तरीके से। फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव, तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे सेव। इसके बाद आपको जो अगला काम करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे SSL में, देन यहाँ पे क्लिक करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिर इस पेज में आ जाओगे और करेंगे हम नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से करते जाएंगे और यहाँ पर इसे हम कर देंगे ऑन ऑलवेज यूज HTTPS। इसके बाद आपका Cloudflare में जितने भी काम थे लगभग वो सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हमारा वेबसाइट एक्टिवेट हुआ है या नहीं। यहाँ पर आकर वेबसाइट का डोमेन टाइप करेंगे, फिर करेंगे सर्च, तो कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगा। इसके बाद आपको वर्डप्रेस में जाकर अपना वेबसाइट पूरी तरीके से कस्टमाइज़ करना है, किस तरीके से आपका वेबसाइट रन होगा, उसका इंटरफेस क्या होंगे, वह सारा चीज़ आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप वर्डप्रेस में किस तरीके से लॉगिन करेंगे, आइए वो देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप पहले सेलेक्ट टाइप करोगे, फिर टाइप करोगे WP, फिर -, और यहाँ पर टाइप करेंगे एडमिन, देन करोगे एंटर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ पर मिलेगा, आइए देखते हैं। आप चल जाओगे AWS में। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्शंस और यहाँ पर क्लिक करेंगे मोनिटर एंड ट्रबल सूट। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट सिस्टम लॉग, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिस्टम लॉग्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आप भी कुछ इस तरीके से ऊपर स्क्रॉल करेंगे करते जाएंगे कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ जाएगा, यूज़र नेम क्या है, यूज़र, आप इसे कर लेंगे सेव। इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा इसका पासवर्ड, इसे करेंगे हम कॉपी। फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन, तो आप कुछ इस तरीके से वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर जाओगे। इसके बाद अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लोगे किस तरीके से आपको अपना वेबसाइट रन करना है। हालांकि इस सीरीज़ में धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे, आप उन वीडियोस को देखकर सीख जाओगे किस तरीके से आपको अपना एक वेबसाइट अच्छे तरीके से रेडी करना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।